आप देख रहे हैं राजधानी लाइव और मैं हूं आपके साथ मनीषा पाटीदार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। एमसीडी और गुजरात चुनाव में आम आदमी पार्टी से मिलने जा रही करारी शिकस्त से बीजेपी इतने खौफ में है कि अब चुनाव लड़ने के लिए नीचता पर उतर चुकी है। बीजेपी ने अपनी बर्बरता और साजिशों के तहत आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सत्येंद्र जैन के पिछले 6 महीनों से जेल में बंद कर रखा है, लेकिन जेल में उन्हें डॉक्टरों के सुझाव मिल रहे हैं। फिजियोथेरेपी का वीडियो भी जारी कर सत्येंद्र जैन की बीमारी और उन्हें मिल रहा इलाज का बीजेपी मजाक बना रही है। शनिवार को आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये सब बातें कही और इसी दौरान वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने कहा कि देश के इतिहास में पहली बार कोई पार्टी चुनाव जीतने के लिए इतनी नीचता और घटिया हरकत कर रही है और वही किसी व्यक्ति की बीमारी का क्रूरता से मजाक बना रही है। साथ ही उन्होंने बताया कि जेल में गिरने से सत्येंद्र जैन की रीढ़ की हड्डी में इंजरी हो गई थी और 2 ऑपरेशन के बाद डॉक्टरों ने उन्हें नियमित रूप से फिजियोथेरेपी करने के लिए सलाह दी। थेरेपी की जरूरत किसी को भी रह सकती है, लेकिन मजाक बनाना बहुत घटिया हरकत है। आपके नेता मनीष सिसोदिया ने आगे कहा कि कोर्ट ने ईडी को निर्देश दे रखे थे कि इस वीडियो को जारी नहीं किया जाएगा, लेकिन कोर्ट के आदेशों की अवमानना करते हुए इसका उल्लंघन करने के लिए बीजेपी ने अपनी साजिश कर कामयाब हो रही और सत्येंद्र जैन का वीडियो गलत तरीके से वायरल कर दिया है और अब पूरा मजाक बना दिया है। यह कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है और इस पर कार्रवाई करेंगे। साथ ही मनीष सिसोदिया ने आगे कहा कि बीजेपी ने पिछले 6 महीनों में अपनी साजिशों और एजेंसियों का दुरुपयोग करते हुए सत्येंद्र जैन को झूठे मुकदमे में जेल में बंद कर रखा था, लेकिन बीजेपी का मन इससे भी नहीं भरा और बीजेपी इतनी घटिया हरकत पर उतर आई कि किसी व्यक्ति की बीमारी का और बीमारी के में किए जा रहे इलाज का सीसीटीवी फुटेज गलत तरीके से बाहर लीक कर रही है और उसका मजाक बना रही है। बीजेपी द्वारा किसी भी बीमारी का मजाक बनाकर हारा हुआ चुनाव जीतने की कोशिश की जा रही है। इसमें घटिया हरकत और कुछ नहीं हो सकता। हर हरकत पर बीजेपी के अलावा ये हरकत कोई और नहीं कर सकता। साथ ही मनीष सिसोदिया ने आगे कहा कि देश के इतिहास में यह पहली बार कोई पार्टी इतनी नीचता और घटिया हरकत कर रही है। किसी व्यक्ति की बीमारी का इतने क्रूरता के साथ मजाक बनाना किसी और के बस की बात नहीं है, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री हो या कोई आम आदमी जेल में बंद हो। बीमारी पड़ने पर उसे इलाज की जरूरत पड़ती है, लेकिन किसी का इलाज करना मजाक बनाना ये गलत है। तमाम मीडिया चैनल एक वीडियो दिखा रहे हैं उस अहम बिंदु पर आज ये प्रेस वार्ता है और सबसे पहले ये कितना चिंताजनक है, हमारे लोकतंत्र के लिए क्यों ये खतरा है, क्यों ये दिखाता है कि आज आम आदमी पार्टी स्पा मसाज पार्टी बन चुकी है, क्यों ये ना पूछा जाए अरविंद केजरीवाल जी से कि आपकी चुप्पी क्यों है आखिर। और बहुत अहम बिंदु हम ये भी उठाना चाहते हैं, इस वीडियो को देखने के बाद ये आम आदमी पार्टी नहीं है, ये पार्टी है बदनाम दाम पार्टी। बदनाम दाम पार्टी, दाम लगाओ और जो चाहे वो करवाओ। अरविंद केजरीवाल जी, आज बात किसी और से नहीं होगी, आज बात होगी अरविंद केजरीवाल महाठग, जिसके इशारे पे भ्रष्टाचार होता है, ठगी होती है। और जब इस तरह का विस्फोटक वीडियो आता है जो लोकतंत्र को खतरे में डाल देता है, तो अरविंद केजरीवाल जी आप कहां छुप जाते हैं, कहां चले जाते हैं? कट्टर ईमानदार, यही कहा था ना आपने
कट्टर ईमानदार का सर्टिफिकेट देता हूं, वो कट्टर ईमानदार कट्टर बेईमान मसाज करा रहा। घटिया हरकत पर उतर आई कि किसी इंसान की बीमारी का, उसकी बीमारी में दिए जा रहे उसके इलाज का सीसीटीवी फुटेज गलत तरीके से बाहर निकाल के उसको मनोहर कहानियां सुना सुना के आज किसी की बीमारी का मजाक बना रहे हैं ये लोग। मुझे नहीं लगता कि देश की राजनीति के इतिहास में कभी कोई पार्टी इतनी नीचता पर उतरी होगी, इतने घटिया हरकतों पर उतरी होगी कि किसी व्यक्ति की बीमारी का इतना क्रूरता से मजाक बनाने के हद तक उतर आई होगी। इस देश में बीमार कोई भी हो सकता है, देश के प्रधानमंत्री भी बीमार हो सकते हैं, उनको भी इलाज की जरूरत पड़ सकती है, कोई लाट साहब भी बीमार हो सकता है, उनको भी इलाज की जरूरत पड़ सकती है, कोई आम आदमी भी बीमार हो सकता है, जेल में बंद कोई आदमी भी बीमार हो सकता है, उसको भी इलाज की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन किसी के इलाज को, किसी की बीमारी को इस तरह की घटिया हरकत करना, उसके इलाज के वीडियो जारी करके इस तरह की घटिया हरकत करना, ऐसा बीजेपी के अलावा कोई और नहीं कर सकता। बीमार कोई भी हो सकता है, इलाज किसी की जरूरत हो सकती है, इलाज किसी को भी दिया जा सकता है, प्रधानमंत्री से लेके जेल में बंद किसी भी आदमी को जरूरत पड़ सकती है, लेकिन किसी की बीमारी और किसी के इलाज को इस हद तक घटिया पने पर उतरकर उस पर राजनीति करना, यह महारत केवल भारतीय जनता पार्टी को आती है। भारतीय जनता पार्टी के अलावा मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई और कर सकता है इस तरह का घटिया काम। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी राजीव, जिस तरीके से दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बीते दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है, उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से बीजेपी की हार सामने है और बीजेपी बौखला रही है और जो सत्येंद्र जैन की जो पिछले 6 महीनों से गिरफ्तारी की है उसको लेकर उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए बहुत कुछ कहा है, एक बार पूरी अपडेट देखिए। यहाँ पर जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की बात करें या आम आदमी पार्टी की बात करें तो लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से भी लगातार ये कहा जा रहा है कि सत्येंद्र जैन जो है वो झूठे केस के अंदर फंसाए गए हैं और उनको सजा दी गई है और अब वो जेल के अंदर है। मगर यहाँ पर जिस तरीके से मसाज के नाम पर जो वीडियो वायरल हुआ है उसको लेकर लगातार कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप देखने को मिल रहे हैं। जिस तरीके से बात करें अब सत्येंद्र जैन की वीडियो की, तो वो वीडियो जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से, मनीष सिसोदिया की तरफ से भी बताया गया कि ये इलाज के दौरान का है, यानी कि सीधे सीधे थेरेपी जब ली जा रही थी उस टाइम का है और इस थेरेपी के लिए कैसे है कोर्ट की परमिशन है और कोर्ट के आधार पर ही थेरेपी करने के लिए सत्येंद्र जैन को बोला गया है। मगर यहां पर बात करें थेरेपी जब ली जा रही है तो जब कहा गया मनीष सिसोदिया के द्वारा के जब थेरेपी दी जाएगी तो ये ईडी की कस्टडी के अंदर दी जाएगी और ईडी जो है इस सीसीटीवी फुटेज को संभाल कर रखेगा, ना कि वायरल करेगा। यानी यहां सीधे सीधे कहीं ना कहीं जो सीसीटीवी फुटेज था उसको बाहर लाकर उसका कह सकते हैं इस्तेमाल किया जा रहा है चुनाव के दौरान। मगर यहां पर जिस तरीके से बात करें निगम चुनाव की, तो निगम चुनाव को लेकर भी कहीं ना कहीं भाजपा जो है वो आम आदमी पार्टी पर घेरते आरोप लगाती हुई नजर आ रही है और आम आदमी पार्टी जो है भाजपा पर आरोप लगाती नजर आ रही है। मगर यहाँ पर जिस तरीके से सीसीटीवी फुटेज का इस्तेमाल किया जा रहा था उससे तो साफ जाहिर है अगर कोर्ट के आदेश थे तो ये सीसीटीवी फुटेज बाहर कैसे निकला, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। और दूसरा ईडी की, अगर ईडी को आदेश दिए गए हैं कि सीसीटीवी फुटेज का इस्तेमाल बाहर नहीं करना है, सिर्फ उनकी सुरक्षा के लिए उस सीसीटीवी फुटेज को संभाल के रखना है, मगर यहाँ पर ईडी के ऊपर भी सवाल खड़ा होता है कि ये सीसीटीवी फुटेज बाहर भेजे भाजपा के नेताओं के पास कैसे पहुंचा और ये वायरल कैसे हुआ, ये दोनों सवाल खड़े होते हैं। और यहाँ पर जिस तरीके से कहा जा रहा है कि उनके कैसे रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हुआ था, इस वजह से उनको थेरेपी देनी है और डॉक्टरों की सलाह के बाद ही इस थेरेपी को दिया जाता है। मगर इस तरीके के जो आम आदमी पार्टी की तरफ से पक्ष रखा जा रहा है, ये जरूर कहा जा रहा है कि किसी भी व्यक्ति का मजाक नहीं बनाना चाहिए, बीमारियां किसको भी किसी को भी हो सकती है, उसका वीडियो वायरल नहीं करना चाहिए। मगर यहाँ पर जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप देखने को मिल रहे हैं उससे तो साफ जाहिर है कहीं ना कहीं भाजपा के हाथ में एक मुद्दा लग चुका है, उस मुद्दे को कहीं ना कहीं जनता के बीच में लेकर जनता को कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा कि आम आदमी पार्टी जो है भ्रष्ट है और इसी तरीके के दावे जो है कल भी भाजपा की तरफ से किए गए हैं। जी
जी जी राजीव, जिस तरीके से आपने अभी कहा कि ईडी को कहा गया था कि ये जो वीडियो है ये वायरल नहीं होना चाहिए, उसके बाद बीजेपी नेताओं ने ये वीडियो वायरल कर दिया, इसके बाद आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी पर तंज कसती है नजर आ रही है, तो मनीष सिसोदिया ने कहा है कि ये जो बीजेपी है वो बिल्कुल नीचता की हरकत पर उतर आई है, तो क्या ये बीजेपी का इसमें कोई सफाई आई है या बीजेपी की कोई प्रतिक्रिया है? देखिए यहाँ पर एक चीज और समझनी होगी, जिस तरीके से बात करें थेरेपी जो वीडियो है या कि जो थेरेपी का जो वीडियो है वो वायरल नहीं होना चाहिए था, ये खुद कोर्ट की तरफ से आदेश दिए गए थे ईडी को कि ये जो वीडियो है ये सिर्फ सिक्योरिटी के तौर पर उनके पास रहेंगे, उसको वायरल नहीं करना, यानी कि बाहर नहीं निकलना चाहिए। पहला नंबर एक सवाल ये खड़ा होता है, दूसरा ये नंबर सवाल खड़ा होता है कि भाजपा के पास ये वीडियो आया कहां से। नंबर दो, यहाँ पर जिस तरीके से भाजपा इस वीडियो का इस्तेमाल कर रही है, वायरल किया जा रहा है और लगातार जनता को यह कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी जो है भ्रष्ट जनता सरकार है, दिल्ली के अंदर काम नहीं किए गए और उनके जो मंत्री हैं जेल के अंदर बैठने के बावजूद भी मसाज की करवाई जा रही है, आराम किया जा रहा है, इस तरीके के जो आरोप है वो लगाए जा रहे हैं। भाजपा की बात करें तो भाजपा की तरफ से पहले भी मीनाक्षी लेखी की बात करें, मनोज तिवारी की बात करें या फिर और नेताओं की बात करें, गौरव भाटिया की बात करें, तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं सबकी तरफ से कि सत्येंद्र जैन जो है वो जेल के अंदर बंद होने के बावजूद भी मसाज करवा रहे हैं और वो ही मसाज का वीडियो जो है वो वायरल हुआ है। मगर यहाँ पर जिस तरीके से आरोप पड़ते आरोप है उससे तो साफ जाहिर है कहीं ना कहीं निगम चुनाव के अंदर इन वीडियो का इस्तेमाल किया जा रहा है और लगातार सत्येंद्र जैन को लेकर भाजपा जो है वो आम आदमी पार्टी के ऊपर निशाना साधती हुई नजर आ रही है। और यही चीज आम आदमी पार्टी की तरफ से भी कहा जा रहा है कि जो कूड़े का डर है, कूड़े के जो पहाड़ है, जनता चाहती है इनको खत्म करना, मगर भाजपा ने भ्रष्टाचार किया है और वो हार की वजह से इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं। मगर यहाँ पर जिस तरीके से बात की जाए कि अरविंद केजरीवाल की, तो अरविंद केजरीवाल ने अभी तक इसके इस मुद्दे पे अपनी जवाब नहीं दिया है, मगर आज बात करें तो आज कहते हैं अरविंद केजरीवाल पहाड़गंज के अंदर चुनाव प्रचार के अंदर आने वाले हैं, उनसे ही मीडिया जब इस तरीके का सवाल पूछेगी तो देख रहा होगा कि अरविंद केजरीवाल किस तरीके का जवाब देते हैं। जी जी, जिस तरीके से आपने कहा कि निगम चुनाव में ये आरोप और प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है, तो इसी बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी जो है वो घटिया राजनीति करने पर उतर आई है, एक निगम चुनाव को देखते हुए ये लगातार जो है आम आदमी पार्टी पर निशाना साध रही है और वोट बटोरने के लिए ये घटिया राजनीति करती है। देखिए यहाँ पर एक चीज और समझनी होगी, मनीष सिसोदिया ने यह भी कहा है कि हार की वजह से, यानी कि भाजपा को हार का डर लग रहा है, इस वजह से इस तरीके की जो घटिया राजनीति है वो उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर किसी भी व्यक्ति की तबीयत खराब होती है, जिस तरीके से मनीष सिसोदिया ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री की तबीयत खराब होती है या फिर किसी और की तबीयत खराब होती है तो उसका जो वीडियो है वो वायरल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये चीज जो होती है वो सार्वजनिक नहीं होती और लगातार कहीं ना कहीं सुरक्षा के मद्देनजर रखते बात करें तो कहीं ना कहीं किसी भी व्यक्ति की इस तरीके की वीडियो जो है वो वायरल नहीं करनी चाहिए। मगर यहाँ पर जिस तरीके से वीडियो वायरल हुआ है और एक दो आम आदमी पार्टी की बात करें, भाजपा की बात करें, तो लगातार कहीं ना कहीं दोनों तरफों से आरोप प्रत्यारोप देखने को मिल रहा है, मगर इसके अंदर कांग्रेस भी कहीं ना कहीं अपना योगदान दिखाती हुई नजर आ रही है और इस वीडियो का कहीं ना कहीं कांग्रेस भी अपना फायदा उठाती नजर आ रही है। मगर यहाँ पर जो बात करें जनता के बीच में जाने की, जी, तो जनता के बीच में कहीं ना कहीं ये संदेश दिया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी जो है वो झूठ की सरकार है और झूठ के अलावा कुछ नहीं करती है, ये भाजपा की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं। मगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी की तरफ से भी कहीं ना कहीं इन्हीं कह सकते हैं अलग जो मुद्दे हैं कूड़े को लेकर या फिर कहे हार को लेकर इस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं कि हार की वजह से इस तरीके की वीडियो को वायरल किया जा रहा है और जो नहीं करना चाहिए, यानी कि ये घटिया राजनीति का इस्तेमाल किया जा रहा है। मगर जिस तरीके से बात करें निगम चुनाव की, तो निगम चुनाव के अंदर कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो आने वाला समय ही तय कर पाएगा या फिर जनता तय करेगी जिनको वोट दिया जाए देने का हक है, मगर जनता किसको वोट देगी ये तो समय ही बता पाएगा। जी जी, जिस तरीके से आपने कहा कि जनता किसको वोट देगी ये समय बताएगा, और इसी बीच बीजेपी और आम आदमी पार्टी लगातार आरोप और प्रत्यारोप का दौर उनका लगातार जारी है, इसी बीच गौरव भाटिया ने भी एक अपनी सफाई में उन्होंने कहा है कि ये जो वीडियो वायरल हुआ है वो लोकतंत्र को खतरे में डालने वाला है, इसको लेकर एक बार पूरी जानकारी। देखिए यहाँ पर बात करें गौरव भाटिया की, तो गौरव भाटिया ने कल प्रेस वार्ता के माध्यम से वीडियो वायरल होने के बाद में जब ये प्रेस वार्ता की गई उसके अंदर लगातार कहीं ना कहीं गौरव भाटिया की तरफ
तरफ से आरोप लगाए गए थे कि इस वीडियो वायरल होने के बाद में अरविंद केजरीवाल की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आ रहा, मगर उनकी जगह से मनीष सिसोदिया ने जवाब जरूर दिया और यहां तक कि यह भी कहा कि किसी व्यक्ति की अगर तबियत खराब होती है तो वो उसका वीडियो जो है वो सार्वजनिक वायरल नहीं करना चाहिए था। और ये जो वीडियो है ये ईडी की कस्टडी के अंदर था, सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है अगर ईडी की कस्टडी के अंदर था तो ये वीडियो भाजपा के पास कैसे पहुंचा और भाजपा ने इसका इस्तेमाल करने के लिए उसे वायरल क्यों किया, सबसे बड़ा यही सवाल खड़ा होता है कि वायरल जो वीडियो है ये किसके पास से हुआ। गौरव भाटिया जिस तरीके से कह रहे हैं कि सत्येंद्र जैन जो है मसाज करा रहे हैं, मसाज के नाम पर इस तरीके की हरकतें की जा रही हैं और सिर्फ जेल के अंदर बंद रहना सिर्फ एक ड्रामा है, इस तरीके के जो आरोप लगाए जा रहे हैं उससे कहीं ना कहीं पहले तो भाजपा से ही सवाल किया जाएगा कि आपके पास ये वीडियो कहां से आया। दूसरा, ये जब ईडी के कस्टडी के अंदर वीडियो थे तो वीडियो के बाहर कैसे निकले, सबसे बड़ा सवाल यहां पे ये खड़ा होता है। और इसी को लेकर मनीष सिसोदिया ने भी कहा कि जब ईडी के अंदर ईडी की कस्टडी के अंदर इस तरीके के वीडियो थे और उनको कोर्ट के आदेश थे कि ये वीडियो जो है बाहर नहीं जाना चाहिए तो बाहर क्यों गए, सबसे बड़ा सवाल तो यहीं पे खड़ा होता है। मगर यहां पर जिस तरीके से निगम चुनाव के अंदर दोनों ही तरफों से आरोप प्रत्यारोप देखने को मिल रहे हैं, जनता को मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि आम आदमी पार्टी भ्रष्ट है और आम आदमी पार्टी कहती है कि भाजपा भ्रष्ट है, मगर कहीं ना कहीं जो दोनों की कमियां हैं उनको दूर करना होगा। यहां पर जिस तरीके से वीडियो वायरल हुआ है उसकी जो जांच है वो कहां से हुई है, यानी कि सीधे सीधे कहे तो कहीं ना कहीं जो वीडियो वायरल हुआ है वो कहां से हुआ है, क्यों हुआ है, इसका इस्तेमाल क्यों इलेक्शन में किया जा रहा है, इस तरीके के सवाल जो है वो कहीं ना कहीं ईडी से भी शायद पूछे जा सकते हैं। जी जी राजीव तिवारी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहां रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, रुक करते हैं अन्य खबरों की ओर। कांग्रेस ने नगर निगम चुनाव के लिए अपना विजन डॉक्यूमेंट जारी कर दिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी ने कहा कि दिल्लीवासियों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए मेरी चमकती दिल्ली का दस्तावेज तैयार किया गया है। दिल्ली को प्रदूषण मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, ढलाव घर मुक्त, कूड़ा कचरा मुक्त, महामारी मुक्त और निगम को कर्जा मुक्त बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि शीला दीक्षित ने अपने 15 वर्षों में शासन में दिल्ली में विकास, भ्रष्टाचार मुक्त, मजबूत हरित और प्रदूषण मुक्त और दिल्लीवासियों को चमकते दिल्ली दी है। और वहीं उन्होंने कहा कि पारदर्शी प्रशासन दिया गया था। निगम चुनाव में जीत मिलने के बाद कांग्रेस एक बार फिर शीला दीक्षित सरकार के समय वाली दिल्ली बनाने के लिए काम करेगी। आप सरकार पर 8 वर्षों के लिए कुशासन और नगर निगम में 15 वर्षों तक रही बीजेपी ने दिल्ली को प्रदूषण, भ्रष्टाचार और महामारी की राजधानी बना दिया है। दिल्ली नगर निगम को कर्ज का पहाड़ में बदल दिया है और वही निगम का कर्ज मुक्त बनाने के लिए बीजेपी और आपके भ्रष्टाचार को खत्म करेगी। दिल्ली में आय की दोगुनी करने के लिए किया जाएगा काम और उससे कर्मचारियों के वेतन भुगतान में किसी भी तरह की परेशानी ना हो और स्वच्छता का स्तर सुधारने के साथ ही लोगों को जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और चुनाव प्रचार समिति के प्रमुख सुभाष चोपड़ा ने कहा कि दिल्ली में सांप्रदायिक संभावना और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन व्यवस्था फिर से बहाल की जाएगी और अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करने के लिए भी खाली किए गए पद भी भरे जाएंगे। वहीं एनजीटी ने दिशा निर्देश का पालन करते हुए दिल्ली में तीनों कूड़े के पहाड़ों को निर्धारित समय सीमा में समाप्त करने का भी लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा। स्वास्थ्य और पार्किंग सुविधा भी उपलब्ध की जाएगी। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ शिवम पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी शिवम, जिस तरीके से एमसीडी चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना विजन जो है डॉक्यूमेंट जारी कर दिया है और उसमें अहम जो जोर दिया है वो उन्होंने कहा कि मेरी चमकती दिल्ली। जी बिल्कुल मनीषा जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कल पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के जन्मदिन को लेकर दिल्ली कांग्रेस ने एक विजन निकाला है कि मेरी चमकती दिल्ली, क्योंकि दिल्ली एमसीडी चुनाव नजदीक है। जैसे कि हर पार्टियां आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस अपने अपने
वादे पूरा कर रही, उसको लेकर कांग्रेस भी कल एक मेरी चमकती दिल्ली का समक्ष मीडिया के समक्ष एक पेश किया है। उन्होंने कहा है कि मेरी शीला जी की सरकार ने इतना अच्छा काम किया था दिल्ली की जनता के लिए कि दिल्ली की जनता भुला नहीं सकती है। अब वही हम 8 साल से देख रहे हैं कि केजरीवाल सत्ता में बने हुए, 15 साल से एमसीडी में बीजेपी बनी हुई, लेकिन दिल्ली की इतनी बुरी हालत हो गई है जिसको कुछ कहा नहीं जा सकता। क्योंकि अगर हमारी सरकार आती है, हम एमसीडी में आते हैं, तो भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, परसीमन खत्म करेंगे, प्रदूषण मुक्त करेंगे, दिल्ली वासियों को फिर से वही शीला जी की दिल्ली फिर से देना चाहेंगे जिसका विजन है मेरी चमकती दिल्ली। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार जितने हो रहे हैं दिल्ली के अंदर, जो साफ सफाई नहीं हो रही, जो आम आदमी पर बीजेपी 2003 कूड़े के पहाड़ दिए गए, उनका साफ तौर से आम आदमी पार्टी और बीजेपी पर उन्होंने जमकर निशाना साधा है कि दिल्ली के वासियों को जो सौतेला व्यवहार किया जा रहा है ऐसा नहीं होगा। क्योंकि कांग्रेस अगर पहले भी शीला जी की सरकार थी, अगर कांग्रेस फिर से आती है तो दिल्ली के सौतेला व्यवहार नहीं किया जाएगा, वही विजन से हम लोग काम करेंगे। जी मनीषा जी, जी जिस तरीके से कांग्रेस ने अपना जो विजन डॉक्यूमेंट जो है जारी किया है, उस पर किस किस पर उन्होंने जोर डाला है और जनता के बीच में वोट बटोरने की कांग्रेस के द्वारा किस मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएगी? बिल्कुल आपने सही सवाल किया है मनीषा जी। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सब एमसीडी चुनाव को लेकर जनता के बीच लुभावने वादे कर रहे, बड़ी बड़ी रैलियां आज से शुरू कर रहे हैं सभी पार्टियां, और कांग्रेस भी अपना कहीं ना, क्योंकि वो शीला दीक्षित जी के कार्यों को लेकर और राहुल भारत जोड़ो यात्रा को लेकर दिल्ली की जनता के बीच जा रही है कि हम आपके हितैषी हैं, एक बार शीला जी की सरकार फिर से जैसे शीला जी की दिल्ली थी वैसे हम दिल्ली आपको बनाना चाहते हैं। वो भी अपने उन्होंने कहा कि हम सारे वादे पूरा करके, पार्किंग की व्यवस्था, शुद्ध पानी की व्यवस्था, कूड़े का पहाड़ हटाने की व्यवस्था, सेम आम आदमी पार्टी या बात करें केजरीवाल या बीजेपी की बात करें, जो लुभावने जनता के वादे होते कहीं ना कहीं कांग्रेस भी पीछे हटने में लुभावने वाले में देने का काम नहीं करे, वो भी लुभावने जनता को वादे दे रही कि हम आपको फिर से शीला जी की दिल्ली देंगे। क्योंकि इस बार एमसीडी में अगर दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बनती है तो कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता से सौतेला व्यवहार नहीं किया जाएगा। जी मनीषा जी, जी जिस तरीके से कांग्रेस ने प्रचार के लिए एक प्रचार वाहन भी जारी कर दिया है और उसी बीच प्रदूषण और भ्रष्टाचार का मुद्दा भी जनता के बीच में लेके जारी है, तो क्या कांग्रेस की ये जो रणनीति है वो जनता को लुभाने की कोशिश करेगी? जी बिल्कुल आपने सही कहा कि अब सिर्फ 14 दिन एमसीडी चुनाव को लेकर बचे हैं, सभी पार्टियां आम आदमी पार्टी और बीजेपी और कांग्रेस और सभी अपने फुल जोरों पर रैलियां निकालना शुरू कर दिए, प्रचार करना शुरू कर दिए, लाउड स्पीकर से प्रचार करना शुरू कर दिए, लेकिन कोई भी पार्टी हो जनता के बीच जा रही, अपने वादे पूरा बता रही है कि हमें इसको लेकर काम करेंगे, इस मुद्दे पर काम करेंगे, एक बार आप हमको एमसीडी में चुनाव वोट दीजिए। क्योंकि हम कांग्रेस की बात कर ले तो कांग्रेस भी अपना पूरी पार्टियों को 250 सीटों पर प्रत्याशी उतारी, वही बीजेपी भी और आम आदमी पार्टी भी, तीनों पार्टियों ने अपना कैंडिडेट उतारा है और तीनों पार्टियां लगभग जोरों शोरों से अपना कैंडिडेट उतार दिया। और टक्कर देखने वाली बात यह है कि सभी ने अपने केंद्रीय मंत्री, जो भी मंत्री, बड़े बड़े मंत्रालय, बड़े बड़े मंत्रियों को स्टार प्रचारक के रूप में भी आज से दिल्ली के अंदर रैलियां शुरू कर दिया। जी मनीषा जी, जिस तरीके से आपने कहा कि एमसीडी के चुनाव के लिए बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तीनों लगातार प्रयास कर रही है, तो अगर बात करी जाए आम आदमी पार्टी की, तो केजरीवाल का एक ही फंडा है, मौका दो और हम करके दिखाएंगे, और बीजेपी ने लगातार प्रयास जनता के बीच में जाकर प्रयास कर रही है, और कांग्रेस का है चमकती दिल्ली। तो ये जो तीनों पार्टियां हैं जनता के बीच में जा रही है और अपना लगातार प्रयास कर रही है, तो किसके दावे जो है जनता के सामने भारी पड़ने वाले हैं? जी बिल्कुल आपने सही कहा कि कांग्रेस कह रही है कि मेरी चमकती दिल्ली जी ले लीजिए और भाजपा कह रही है कि मेरे वचन पत्र ले लीजिए और वही केजरीवाल के 10 गारंटी कार्ड। अब तीनों पार्टियों ने अपना सब कुछ दिखा दिया जनता के बीच में, लेकिन जनता आप देखना होगा कि आने वाले एमसीडी 4 दिसंबर को आने वाले चुनाव में किसको जनता हितैषी समझती, किसको अपना मानती, किसको पराया मानती, ये जनता के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन इस बार तीनों पार्टियों ने अपना फुल दावा कर रही है कि इस बार सत्ता में हम बनेंगे, बीजेपी का अपना दावा ठोक रही, कांग्रेस अपना दावा ठोक रही, और शीला जी की कार को लेकर कांग्रेस भी कहीं ना कहीं पीछे हटने का नाम नहीं ले रही। जी नहीं मनीषा जी, जी शिवम पांडे, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए राज्य सरकार के द्वारा किए गए प्रयासों का परिणाम है। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की रफ्तार लगातार थमसी गई है, जहां सरकार और प्रदेशवासियों के लिए राहत भरी खबर है। राज्य में कोरोना की जांच 18 नवंबर को रिपोर्ट के अनुसार मात्र 2 जिलों में, बालोदा में
और एक दुर्ग जिले के 6 व्यक्ति में नए कोरोना संक्रमित मिले हैं, और जबकि 6 जिलों में कोरोना संक्रमितों की संख्या निरंक दिखाई दे रही है। वहीं राज्य में कोविड 19 के सक्रिय मामले तेजी से घट रहे हैं। कोरोना के दूसरी और तीसरी लहर में राजधानी रायपुर समेत राजगढ़, बिलासपुर, जांजगीर चांपा जिले में स्थिति भयावह हो गई थी, लेकिन राज्य सरकार ने संक्रमण को रोकने के लिए जिस तरीके से कदम उठाए हैं उसमें सफलता प्राप्त की है। राज्य सरकार ने जरूरत पड़ने पर लॉकडाउन लगाए, साथ ही कोरोना गाइडलाइन की सख्ती से पालन करवाया गया। लोगों को गाइडलाइन का पालन करने के लिए जागरूक भी किया गया। राज्य सरकार ने दूसरी तरफ प्रतिदिन होने वाले जांच की संख्या बढ़ाकर पॉजिटिव लोगों को आइसोलेट करने के लिए उनका इलाज करवाया, और इसी के साथ राज्य सरकार ने नए पॉजिटिव केस को रोकने के लिए टीकाकरण अभियान भी पूरी तरह से प्राथमिकता देने के साथ ही चलाया गया। इसी की वजह से नए मरीजों की संख्या में लगातार कमी आई। अब ताजा हालात की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से 18 नवंबर को जारी रिपोर्ट कार्ड के अनुसार कोरोना के नए मरीजों की संख्या में भारी गिरावट देखने को मिली है। राज्य में मात्र 2 जिलों में, बालोद में 1 और दुर्ग जिले में 6 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं। शेष जिलों में कोई भी नया पॉजिटिव कोविड 19 टेस्ट के दौरान नहीं मिला है। राज्य में राजनांदगांव, बेमेतरा, गारियाबंद और राजगढ़, मुंगेली, जांजगीर चांपा और कोंडागांव में कोरोना के संक्रमित मरीज नहीं मिले हैं। कोरोना मरीजों की स्वस्थ होने और नए मामलों में कमी होने से सक्रियता जो है वो लगातार तेज होती हुई दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ में इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। जी अखिलेश, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में कोरोना के जो मामले हैं वो लगातार अब कम दिखाई दे रहे हैं, उसके लिए सरकार के द्वारा जो पहल की गई है, एक बार पूरी अपडेट। देखिए मनीष, किस तरीके से कोरोना की जो हालात रही है छत्तीसगढ़ की बात की जाए, क्योंकि भारत भर में दूसरा ऐसा राज्य रहा छत्तीसगढ़ जहां कोरोना संक्रमण को लेकर के सबसे ज्यादा सर्वाधिक मामले सामने आ रहे थे। इसके अलावा पहले चरण में ही लॉकडाउन घोषित कर दिया गया था, दूसरे चरण में भी लॉकडाउन घोषित कर दिया गया था, लेकिन कोरोना की जो हालात है वो काफी बढ़ती नजर आ ही रही थी। इसके साथ साथ राज्य सरकार द्वारा रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज का भी आयोजन किया गया था, जिसके बाद से ही हाहाकार की मचने की जो बात है वो स्पष्ट नजर आई थी, और जिसमें लगभग एक दिन में ही 200 से 300 लोगों की जो मौत की आंकड़े हैं वो छूने की तक के नौबत आ गई। लेकिन अब हालात, राज्य सरकार की जो पहल रही है या उनकी विश्वास की बात की जाए या उसकी टीम की बात की जाए, जहां लोगों को जागरूक करने की जो किस्से है वो स्पष्ट तौर पर दिखी। इसके अलावा जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है लगातार धरातल में उतर करके लोगों का इलाज किए। इसके साथ साथ जो मरीज मिल रहे थे उनको आश्वासन, खासतौर से मोटिवेट करने का जो काम राज्य सरकार ने किया है उसी का परिणाम है जो आज जीरो जो निकल करके सामने आ रहा है कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या वो निश्चित तौर पे है जी। एक बात और स्पष्ट है, क्योंकि जहां 33 जिला है छत्तीसगढ़ में, वहां मात्र 2 ही जिला ऐसे हैं जहां से एक जिले में एक कोरोना पॉजिटिव और दूसरे जिले में मात्र 5 पॉजिटिव निकल करके सामने आए। ये बड़ी उपलब्धि है, और कहीं कहीं स्वास्थ्य विभाग की जो चुनौती और स्वास्थ्य विभाग की जो मेहनत है वो कारगर साबित हुई है, इसी का परिणाम है जो आज 0 पॉइंट है। इसके अलावा लोगों के अंदर अब भी कोरोना की ऐसी स्थिति को देखते हुए ही लगातार मास्क की व्यवस्था, अब भी मास्क लोग पहन रहे हैं। इसके साथ साथ जो बूस्टर डोज लगाने की जो प्रथा निकल करके सामने आई है वो लगातार किया जा रहा है। बच्चों के अंदर जो बूस्टर डोज है वो भी लगाया जा रहा है। बुजुर्गों को खासतौर से टारगेट किया जा रहा है कि उनको भी लगा करके ही स्वास्थ्य रखा जाए, ऐसी तमाम व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग अब भी लगी हुई है। अब देखना यही होगा कि क्या किस तरीके से जो बचाव के जो दल है या जो टीम काम की है, चाहे समाज सेवक की बात की जाए या फिर अन्य जो ऐसे जो लोग रहे हैं, जो वरिष्ठ लोग हैं जो लगातार कोरोना को लेकर के लोगों को जागरूक किए हैं, अब क्या ऐसी स्थिति पे आने के बाद क्या वो लोग भी इस नियम का पालन करते हैं, या फिर यही कोरोना के घट जाने के बाद क्या वस्तु स्थिति वैसी रहेगा, ये देखने वाली बात रही है। लेकिन अब तक के जो स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है लगातार मेहनत करके जिस तरीके से कामयाबी हासिल की है ये तारीफ काबिले है मनीषा जी।
जी अखिलेश, जिस तरीके से आपने कहा कि जो स्वास्थ्य विभाग है वो सक्रिय है और लगातार प्रयासरत है और कोरोना के मामले घटे हैं, कम हुए हैं, खत्म नहीं हुआ है, तो वहां पर जो राज्य सरकार है उनके द्वारा अब लोगों से क्या अपील की जा रही है और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा क्या जो सक्रियता है वो दिखाई दे रही है? देखिए, स्वास्थ्य विभाग और प्रदेश सरकार की अगर बात की जाए तो लगभग अब भी अलर्ट ही जारी है, क्योंकि छत्तीसगढ़ ऐसे ट्राइबल क्षेत्र की बात की जाए जहां कुपोषण की संख्या ज्यादा है, कोरोना की हालात जो कभी भी बिगड़ सकती है, ऐसी हालात भी पैदा हो जाती है। कहीं ना कहीं जो हालात है अब भी वैसी स्थिति है, जहां नक्सल क्षेत्र की अगर बात कर ली जाए वहां तक अभी तक स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है वो नहीं पहुंच पाई है, ये नाकामयाबी है। क्योंकि अंदर बिहड़ में क्या चल रहा है, लोगों के अंदर क्या है, क्योंकि नक्सल के कारण वहां स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है वो नहीं पहुंच पाती है। लेकिन अब भी हालात वैसे ही है जहां अगर बूस्टर डोज या कोविड के जो टीके नहीं लग पाए हैं, अगर ऐसी हालात रही तो कई ऐसे जो आदिवासी क्षेत्र हैं जहां आदिवासी लोगों की मौत हुई है लेकिन स्वास्थ्य विभाग आंकड़े तय नहीं कर पाए हैं। लेकिन एक बात तो है कि अगर राज्य सरकार चाहे और स्वास्थ्य विभाग चाहे तो निश्चित तौर पे आदिवासी लोगों को भी ये सुविधा मिल जाएगी, क्योंकि वहां स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है लगातार काम तो कर रही है लेकिन धरातल में उतर करके काम नहीं किया जा रहा है, कागजी बस कार्रवाई की जा रही है। इसी का परिणाम है जो अब तक के ट्राइबल क्षेत्र में स्वास्थ्य की जो लचर व्यवस्था है वो भी देखने को मिलता है, क्योंकि अब भी एम्बुलेंस आधुनिकता के जमाने में जहां एम्बुलेंस पहुंच जानी चाहिए वहां चार पाई खाट में ही लेकर के मरीज को ले जाया जाता है, स्वास्थ्य विभाग के द्वार में लेकर के जाया जाता है। ये नाकामयाबी है क्योंकि अब युवा अवस्था में हो चुका है छत्तीसगढ़, लेकिन अब भी नाकामयाबी देखने को मिलती है, ये सबसे विडंबना है। अगर ऐसी ही हालात में राज्य सरकार चलती है तो निश्चित तौर पे एक आदिवासियों के तौर पे जो बड़ा आंदोलन किया जा रहा है कहीं ना कहीं वो भी शामिल हो सकता है। लेकिन अब तक के जो हालात बने हैं उसमें सबसे बड़ी सफलता कोरोना को लेकर के मात देने वाली जो बात है वो राज्य सरकार और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जीती है, तो निश्चित तौर पर यह बधाई का संदेश है। जी अखिलेश तिवारी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शनिवार को गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में राज्य स्तरीय पंजाबी महीने कार्यक्रम में शिरकत की। इसके अलावा कैबिनेट मंत्री गुरमीत सिंह मिथैर ने विशेष तौर पर शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान साहित्य में उपलब्धियां हासिल करने वाली शख्सियतों को सम्मानित किया गया और इस दौरान मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि उन्होंने पंजाब में सभी साइन बोर्ड पर पंजाबी में निर्देश लिखने के लिए आदेश दिया है। भगवंत मान ने कहा कि 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा दिवस मनाया जाएगा, इससे पहले अधिकारियों को काम पूरा करने के लिए भी उन्होंने निर्देश दिए हैं, उसी के साथ सख्ती भी बरतने के लिए उन्होंने अपील की है। साथ ही उन्होंने कहा कि पंजाबियों से भी पंजाबी को प्राथमिकता देने की अपील करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि पंजाबी हमारी मां बोली है, इसे बचाने के रखना हमारा फर्ज है और इसी के साथ ऐसा समय आता जा रहा है कि हमें पंजाबी बोलने में शर्म आने लगी है, जबकि पंजाबी विश्व में 9वें स्थान पर है। हम अपनी माँ बोली से दूर कैसे हो सकते हैं? और उसी के साथ उन्होंने विदेश में पंजाबी भाषा में साइन बोर्ड तक लग चुके हैं, ये बात भी मुख्यमंत्री भगवंत मान के द्वारा कही गई, लेकिन पंजाब में रह रहे लोग इससे दूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी के अलावा उन्होंने कहा कि अलग अलग शायरियों में और उदाहरण देकर पंजाब और पंजाबी विरसे को संभालने की बात कही है। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी दे खूबसूरत ऑडिटोरियम दे विच पंजाबी मां बोली नू प्यार करन वाले जिन्हें भी तुसी वख वख उम्र दे वर्गों के सत्कारयोग बजुर्ग नौजवान मुंडे कुड़ियां टीचर साहबान स्टेज पर विराजमान मेरी कैबिनेट दे नौजवान साथी स्पोर्ट्स ते हायर एजुकेशन मिनिस्टर गुरमीत सिंह।
दिल्ली नगर निगम चुनाव में दिल्ली में रह रहे हिमाचलियों को वोट मांगने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर 20 नवंबर यानी आज दिल्ली जाएंगे। बीजेपी 20 नवंबर को महारैली का आयोजन कर रही है। इसमें मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर समेत बीजेपी शासित सभी राज्यों के 14 मुख्यमंत्री रोड शो करेंगे। दिल्ली में नगर निगम चुनाव में प्रचार के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर परसों यानी आज दिल्ली जा रहे हैं और महारैली में मुख्यमंत्रियों के साथ कुछ केंद्रीय मंत्री भी भाग लेंगे। वहीं महारैली में दिल्ली के अलग अलग भागों से निकाली जाएगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बताया कि पार्टी में उन्हें दिल्ली नगर निगम के चुनाव के लिए प्रचार का जिम्मा सौंपा है। आपको बता दें कि दिल्ली में हिमाचलियों की संख्या बहुत ज्यादा है, इसलिए केंद्र और दिल्ली सरकार ने सेवारत कर्मचारियों के अलावा निजी क्षेत्र में दिल्ली में एनसीआर में लाखों हिमाचली लोग कार्यरत हैं। बकायदा दिल्ली में हिमाचल वासियों को कई सामाजिक संस्थाएं भी वहां पर सक्रिय होती हुई दिखाई दे रही है। बता दें कि जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज दिल्ली दौरे पर हैं और इसी बीच एमसीडी चुनावों के लिए प्रचार अभियान जो है वो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के द्वारा किया जाएगा और महारैली का भी आयोजन दिल्ली में आज किया जाएगा जिसमें 14 मुख्यमंत्री रोड शो भी करने वाले हैं। तो आपको बता दें कि बीजेपी लगातार एमसीडी चुनाव में जुटी हुई है और एमसीडी चुनाव के लिए जो प्रयासरत दिल्ली में बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है, इससे देखने वाली बात होगी कि दिल्ली में की जो जनता है वो बीजेपी से कितना लुभती है या कितना बीजेपी के फेवर में आती है। तो आपको बता दें कि जयराम ठाकुर आज दिल्ली में जा रहे हैं और वहां पर रोड शो करेंगे, जनसंवाद भी करेंगे। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ हिमाचल से टीना ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुकी है। जी टीना, जिस तरीके से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हिमाचल में चुनाव खत्म होने के बाद अब दिल्ली की कमान संभालने के लिए वहां पर प्रचार के लिए आज जा रहे हैं, एक बार पूरा अपडेट। जी बिल्कुल, जो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर है उन्हें पार्टी ने जो है दिल्ली नगर पालिका के चुनाव प्रचार का जो जिम्मा है वो सौंपा है। तो आज मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचेंगे और वहां पर जो है रोड शो करेंगे और जो दिल्ली में हिमाचल के लोग रह रहे हैं उनसे जो है भाजपा के पक्ष में अपील करेंगे मतदान की और उनको सुनने की। आपको बताएं कि दिल्ली में जो हिमाचली है उनकी संख्या काफी ज्यादा है और इसमें जो केंद्र व दिल्ली सरकार में जो कार्यकर्ताओं के अलावा जो प्राइवेट इसमें एनसीआर में है लाखों हिमाचली कार्यरत है। दिल्ली में जो जो ये वाले लोग हैं इनकी जो जयराम ठाकुर है उनको जुम्मा दिया गया है कि इनको मनाए, इनको भाजपा के पक्ष में करें। तो आज आप देखेंगे कि अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री भी वहाँ पहुंचेंगे और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के साथ कुछ जो केंद्रीय मंत्री है वो भी जो है जो मुख्य है उसमें भाग लेंगे, लोगों से के साथ संवाद करेंगे और जो हिमाचली है खासतौर से जो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर है उनका स्वागत करने वाला है। जी, जिस तरीके से बीजेपी लगातार महारैली का आयोजन कर रही है और 14 मुख्यमंत्रियों के द्वारा रोड शो भी करने की कोशिश की जाएगी और अब जो जनता के बीच में ये रोड शो बीजेपी के द्वारा किया जाएगा और जयराम ठाकुर उसमें शामिल होंगे, तो क्या ये हिमाचली जनता जो है वो बीजेपी के फेवर में जुटती हुई नजर आएगी? जी बिल्कुल, अब ये कहना भी तो मुश्किल है कि किसके फेवर में जाएगी, लेकिन हाँ ये रणनीति है भाजपा की जो दिल्ली नगर निगम के जो जो प्रचार है उसकी जो जिम्मेदारी है हिमाचल के लोगों के, हिमाचल के जो मतदाता है उनको भाजपा के पक्ष में साधने की, वो उनकी जो जिम्मेदारी है वो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को दी गई है। और बताया यही जा रहा है कि हिमाचल में जिस तरह मिशन रिपीट के लिए भाजपा ने कमर कसी थी और उसके लिए काफी प्रचार जुटे थे, उसी तरह जो है एमसीडी के जो चुनाव है दिल्ली के उसके लिए जो है मुख्यमंत्री को भी प्रचार का जिम्मा दिया गया है ताकि वहाँ के जो हिमाचल के मतदाता उनको वो साथ सके। तो ऐसे में आप देखेंगे कि जो भाजपा है वो कोई कसर नहीं छोड़ना चाह रही है, जिस तरह के भी जो लोग दिल्ली में रह रहे हैं उनसे साधने की कोशिश की जा रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री आज दिल्ली पहुंचेंगे, वहां पे जो है विभिन्न जो संस्थाएं हैं उनसे भी वो रूबरू होंगे और उनसे भी जो है जानेंगे वहां पे कि वो किस तरह का अपना जो रुख है वो रख रहे हैं और भाजपा के पक्ष में उनसे मतदान की अपील भी करेंगे। जी जी, जिस तरीके से बात कर ली जाए एमसीडी चुनाव की, तो बीजेपी लगातार भरसक प्रयास कर रही है और अपनी कोई कसर नहीं छोड़ रही है, और इसी बीच बात कर ली जाए आम आदमी पार्टी की तो वो भी लगातार प्रयासरत है और कांग्रेस भी, तो कांग्रेस और जो
आम आदमी पार्टी वो लगातार बीजेपी पर निशाना साधती हुई नजर आ रही है और उसी के अगेंस्ट में आम आदमी पार्टी जो है वो लगातार प्रयासरत है। तो ये जो तीनों पार्टियों के बीच में मुकाबला जो है वो देखने को मिल रहा है, तो किसकी जो जनता है वो किसके पक्ष में ज्यादा देखने को वहां पर नजर आ रही है? जी देखिए, अभी तो आप अगर दिल्ली की बात कर रही हैं तो दिल्ली में अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पे जो जिस तरह से एमसीपी चुनाव है और वहाँ पे आम आदमी पार्टी की सरकार है और केंद्र में भाजपा की सरकार है, दोनों ही पार्टी से जोर खा रही है। वहीं कांग्रेस भी लगातार जो आम आदमी पार्टी है भाजपा उनपे हमलावर है, लगातार कह रही है कि एमसीपी में जो आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदें थी जो लोगों ने चुन के जो लोग भेजे थे उस तरह के काम नहीं है। तो अभी आप देखेंगे कि लोगों में जो ये चीज है कि कांग्रेस है, भाजपा है, आम आदमी पार्टी, तीनों ही जो अपना वर्चस्व है वहाँ पे एमसीपी में कायम करने के लिए प्रयासरत है, क्योंकि उनका यही मानना है कि जो यहाँ पे हावी होगा वो आने वाली जो विधानसभा चुनाव है उनमें भी उनको उसका जो है फायदा जो है पार्टी से वो मिल सकता है। तो ऐसे में एमसीपी चुनाव के लिए तीनों पार्टी जो है वो जोर लगा रही है कि वहाँ पे उनका वर्चस्व वहाँ पे कायम हो सके। जी, जिस तरीके से बात कर ली जाए बीजेपी की, तो कुछ दिन पहले ही जयराम ठाकुर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा था कि हिमाचल में तो बीजेपी की जीत है, तो इसी बीच दिल्ली भी जा रहे हैं और दिल्ली में भी बीजेपी का उन्होंने दावा किया है, तो क्या उनके दावे करने के तरीके से उनकी जो रणनीति है वो एक अलग हिमाचली तौर पर नजर आएगी? जी देखिए, ये भाजपा की एक रणनीति होती है कि अपने को हावी दिखाया हिमाचल में, जो उन्होंने यही किया कि हम लोग मिशन रिपीट कर रहे हैं 100% कर रहे हैं, और यही जो रणनीति है वो एमसीपी चुनाव में भाजपा अपना रही है। और जो आपको महेंद्र सिंह ने पहले भी बताया कि हिमाचल की संख्या काफी ज्यादा है दिल्ली में, तो उसको टारगेट कर रही है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के द्वारा भाजपा। तो मुख्यमंत्री वहां पहुंचेंगे और वहां पे जो ये लोग हैं हिमाचल के जो लोग हैं बहुत अधिक संख्या में जो रहते हैं, बहुत सारी संस्थाएं वहां पर हैं, उनसे वो संपर्क करेंगे और उनसे जो है मतदान की वो अपील करेंगे कि भाजपा के पक्ष में वो मतदान करें। तो आप देखिए कि भाजपा ने ये रणनीति अपनाई है कि शुरू से अपने को वो हावी बताती है और बता रही है कि हम लोग एमसीपी भी जीतेंगे। जिस तरह हिमाचल में रणनीति अपनाई थी कि मिशन रिपीट वो कर रहे हैं और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सही नहीं है, इसी तरह वो एमसीपी चुनावों के लिए भी जो आप देखेंगे कि मुख्यमंत्री है पहुंचेंगे दिल्ली में हिमाचल के लोग उनसे मिलेंगे, तो आप जान सकते हैं कि किस तरह गंभीर है भाजपा, वो छोटी छोटी चीजें छोटे छोटे पहलू है उनको अपनी रणनीति में शामिल करती है और उसी के अनुसार वो काम करती है, और उसी को ध्यान में रखते हुए भाजपा ने जो है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को एनसीपी चुनाव की कमान जो है नगर पालिका यहाँ पे दिल्ली में सौंपी है कि हिमाचल के लोगों को वो साथ रखे। वो हिमाचल के लोगों को कितना साथ पाते हैं ये तो जब इलेक्शन के जो रिजल्ट होंगे जब वो आएंगे तभी क्लियर हो जाएगा, लेकिन हाँ जो मुख्यमंत्री है वो जरूर प्रयास करेंगे कि जो वहाँ पे जो हिमाचल के लोग रह रहे हैं उनसे वो मिले और उनको जो है भाजपा के पक्ष में मतदान के लिए मना सके। जी जी टीना ठाकुर, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का अल्मोड़ा दौरा आज भी लगातार जारी है। कार्यक्रम में प्रातः करीब 9 बजे राजकीय पुस्तकालय अल्मोड़ा का लोकार्पण और एनसीसी कैंडिडेट्स के साथ अन्य प्रतिभाशाली स्कूल छात्र छात्राओं के साथ उत्तराखंड का श्रेष्ठ राज्य होगा इस पर भी संवाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा किया जाएगा। और वहीं प्रस्थान कर सर्किट हाउस में पहुंचकर करीब 9:30 से 10 बजे तक पंचायत प्रतिनिधियों के साथ भेंटवार्ता करेंगे और करीब 10 बजे से के बीच 11:15 तक जनपद स्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा करेंगे और इसी के बीच करीब 11:20 पर आर्मी हेलीपैड पर अल्मोड़ा से डहोजा के लिए हेलीपैड पर पहुंचेंगे। और इसी बीच आपको बता दें कि 12:00 से 12:45 तक डोल आश्रम अल्मोड़ा में राष्ट्रीय सेविका समिति के आयोजित अखिल भारतीय प्रचारिका अभ्यास वर्ग के समापन कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। साथ ही करीब 1:30 पर डोल आश्रम हेलीपैड से अल्मोड़ा से पंतनगर एयरपोर्ट के लिए प्रस्थान करेंगे। तो आपको बता दें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज भी अल्मोड़ा दौरा है और इसी बीच जो उनका कार्यक्रम होने वाला है वो करीब 9 बजे से राजकीय पुस्तकालय अल्मोड़ा का लोकार्पण और एनसीसी कैंडिडेट्स के साथ अन्य प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं के साथ संवाद करेंगे।
इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अमित चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी अमित, जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह थामी का अल्मोड़ा दौरा है और उनका आज का क्या क्या कार्यक्रम रहने वाला है और क्या क्या अहम है, पूरा एक बार पूरी अपडेट। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि सुबह से मुखिया पुष्कर सिंह धामी लगातार उत्तराखंड के हर क्षेत्र में पहुंच रहे हैं और गढ़वाल मंडल की बात करें कुमाऊं मंडल में लगातार दौरे उनकी तरफ से किए जा रहे हैं। उसी के तहत कुमाऊं भ्रमण में पुष्कर सिंह धामी आज कर रहे हैं और अल्मोड़ा के दो दिवसीय दौरे में वो कल पहुंचे थे, जहां उनका कल तमाम कार्यक्रम अल्मोड़ा के अंदर उनकी तरफ से किए गए थे। तो वही आज का उनका जो दौरा है वो भी काफी है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज सुबह 9 बजे वो राजकीय पुस्तकालय में उनका लोकार्पण करने वाले हैं। उसके बाद स्कूली छात्राओं से उनका यहाँ पर मुलाकात का कार्यक्रम में संवाद किया जाएगा बच्चों से, स्कूली बच्चों से। और उसके बाद करीब 9:30 बजे सर्किट हाउस वो वहाँ पर आएंगे और जो पंचायत प्रतिनिधि है उनसे भी उनकी बात होनी है। और 10 बजे यहाँ पर सर्किट हाउस में जो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक बैठक होनी है अधिकारियों के साथ और उसको लेकर के यहाँ तैयारी की जा रही है। वहीं 11 बजे करीब 11:30 बजे के आसपास आर्मी हेलीकॉप्टर से छोड़ा जाए लामगढ़ा के लिए प्रस्थान करेंगे। फिर डोल आश्रम में आयोजन में वहाँ आयोजित करने में भाग लेना है उन्होंने। उसके बाद करीब 1:30 बजे वो पंतनगर के लिए रवानगी कर देंगे। तो आज का उनका पूरा दिन की बात की जाए अल्मोड़ा में, यहाँ पर तमाम कार्यक्रम है और हर वर्ग जिससे उनका मिलने का कार्यक्रम, भले स्कूली बच्चों की बात की जाए, विकास कार्य की बात की जाए, अधिकारियों से बात की जाए, कार्यकर्ताओं से कल से वो लगातार मिलते हुए आ रहे हैं कहीं ना कहीं लोगों और लोगों से संवाद उनकी तरफ से किया जा रहा है। तो पूरी तरीके से अल्मोड़ा में 2 दिवसीय उनके जो दौरा था उसमें उनकी तरफ से यही जो लगातार कार्यक्रम थे उस पर उनका ध्यान रहा है और आज तमाम कार्यक्रम उनके हैं। उसके बाद वो पंचनगर पहुंचेंगे, उसके बाद वो देहरादून के लिए रवानगी करेंगे। जी जी अमित, जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का लगातार अल्मोड़ा दौरा जारी है और इसी बीच वो जनपद स्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे, इस बैठक में किन किन मुद्दों पर मुख्यमंत्री के द्वारा जोर दिया जाएगा? देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से बात की जाए अल्मोड़ा जनपद की बात की जाए, 6 विधानसभा इस जनपद में आती है और 300 करोड़ की योजना कहीं ना कहीं लोकार्पण शिलान्यास कल मुख्यमंत्री के द्वारा इसमें किया गया था और उस में किस तरीके से काम होना है विकास कार्य, क्योंकि अल्मोड़ा दूर क्षेत्रों में आता है और किस प्रकार से यहाँ पर आगे काम किया, रोडों की कनेक्टिविटी कैसे होगी, लोग किस प्रकार से जो सहूलियत मांग रहे हैं वो कैसे उनको मिलेगी, इन सभी चीजों को लेकर के कल भी अधिकारियों से बैठक की गई थी और समीक्षा बैठक की गई थी कामों की, कितने काम हो चुके हैं, कितने काम होने हैं और किन किन काम में क्या अड़चने आ रही, अधिकारी वर्ग किन काम पे ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, पटकार भी कहीं ना कहीं यहाँ पर लगाई गई है, अधिकारी कामों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। लगातार कल का दिन यही था कि भाजपा सरकार के द्वारा जो जनता से वादा किया गया उस वादे पे खड़ा उतर सके पुष्कर सिंह धामी, उसको लेकर के लगातार उनके दौरे हो रहे हैं और उत्तराखंड के हर क्षेत्र में, भले ही वो दूर क्षेत्र की बात करें, पहाड़ी इलाकों की बात करें, तराई इलाकों की बात करें, हर जगह पहुंच रहे हैं। लोगों की जो दिक्कतें हैं उन दिक्कतों को कैसे पूरा किया जाए, कैसे खत्म किया जाए, विकास कार्यों में तेजी कैसे लाई जाए, उन सभी चीजों को लेकर के लगातार बैठक का दौर जारी है और उनके दिशा निर्देश में जो तमाम विभाग के अधिकारी वो लगातार काम भी कर रहे हैं और पूरी तरीके से कोई कोताही ना बरती जाए पुष्कर धामी की तरफ से कहा भी गया है और उसको लेकर के बात की जाए हर जगह ये काम करना। और अल्मोड़ा में 2 दिन से पुष्कर धामी यही देख रहे हैं कि लगातार अधिकारी से बातचीत की जाती है और कहीं ना कहीं कामों में तेजी लाया जाए, उसको लेकर के उनकी तरफ से निर्देश दिए जा रहे हैं। जी जी, जिस तरीके से बात कर ली जाए कि पुस्तकालय के राजकीय पुस्तकालय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा आज लोकार्पण किया जाएगा, तो वहां की जो तैयारियां हैं वो उसकी स्थिति क्या है और किस किस तरीके से मुख्यमंत्री का वहां पर स्वागत किया जाएगा? बिल्कुल, आपको बता दूं कि यहाँ पर जो पुस्तकालय का इसका लोकार्पण मुख्यमंत्री की तरफ से होना है, लंबे समय से लगातार उनके आने का इंतजार किया जा रहा था। पुस्तकालय को एक नया रूप देने की यहाँ पर कोशिश की गई है और वहाँ के जो कर्मचारी है और जो स्थानीय जनता है वो लंबे समय से इंतजार कर रही थी, उसका लोकार्पण आज पुष्कर सिंह धामी करेंगे। अल्मोड़ा की बात करें, सांस्कृतिक विरासत कहीं ना कहीं अपने में संजोया रहता है और ये सारी चीजें अल्मोड़ा को अपने अपने विशेष बनाती है, तो उसको लेकर के पुष्कर सिंह धामी ने लगातार अल्मोड़ा में कई ऐसे काम है जो लगातार किए जा रहे हैं और आज की अगर बात करें पुस्तकालय का लोकार्पण किया जाएगा, उसको लेकर के यहाँ पर जो अधिकारी हैं वो लगातार तैयारी कर रहे हैं, आम जनता उनको सुनने के लिए यहाँ पर तैयार है और संवाद कहीं ना कहीं लोगों से उनका होना है, तो उसको लेकर के तैयारी की जा रही है। और उसके बाद तमाम और कार्यक्रम पुष्कर धामी पहुंचेंगे और उसको लेकर के लगातार अल्मोड़ा की जनता लगातार यहाँ पर जो है उनका आने का इंतजार कर रही है।
जी, जैसे कि आपने कहा कि जनसंवाद जो है मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाएगा, तो जनसंवाद का जो मुख्य टैग है वो दिया गया उत्तराखंड राज्य श्रेष्ठ राज्य होगा, तो इस पर मुख्यमंत्री के द्वारा किस मुद्दे पर वहां पर जोर दिया जाएगा और ये टैग जो लाइन मुख्यमंत्री के द्वारा दी गई है उसका क्या महत्व है? देखिए मैं आपको बता दूं कि 2025 तक उत्तराखंड को अग्रणी प्रदेश बनाने का जो संकल्प कहीं ना कहीं पुष्कर सिंह धामी की तरफ से लिया गया है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो केंद्र की सरकार है वो लगातार उत्तराखंड की तरफ विशेषकर ध्यान दे रही, भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें और जो कैबिनेट के जो तमाम मंत्री वो लगातार उत्तराखंड की तरफ रुख करते हैं, तो साफ तौर से उत्तराखंड को कहीं ना कहीं 2025 का अग्रणी प्रदेश बनाने के पीछे यही उद्देश्य है कि उत्तराखंड में वो तमाम चीजें हैं यहाँ पर जो विश्वविख्यात हो सकती हैं, और उत्तराखंड में आगे कई प्रकार से चीजें होती है। भाजपा को क्योंकि दोबारा मौका मिला है प्रदेश के अंदर, भाजपा ये मौका खोना नहीं चाहती, जानती है कि जनता ने जैसे भरोसा उन पर किया तो उसको आगे बढ़ाना चाहिए, और उसको लेकर के जो उत्तराखंड के पहाड़ी इलाके हैं जो दूर जगह वहां पर जहां तक विकास अंतर नहीं पहुंचा था, उनका उद्देश्य यही है कि हर कोने में विकास पहुंच सके, और उसको लेकर के लगातार क्योंकि पुष्कर धामी गढ़वाल मंडल की तमाम विधानसभाओं में लगातार उनका दौरा चल रहा है, कुमाऊं मंडल की विधानसभा में दौरा चल रहा है, और यही देखा जा रहा है कि जो विकास नहीं पहुंचा था वो कैसे वहां पहुंचे। अधिकारियों को यहाँ पर बजट दिया जा रहा है, काम यहाँ पर लगातार लोकार्पण किया जा रहा है, कई करोड़ों की योजना उत्तराखंड के अंदर चल रही है, तो पूरी तरीके से आज का अगर यहाँ संवाद अगर उनका होता है आम जनता से, तो उस संवाद में यही कहा जाएगा कि जो उनकी योजनाएं हैं, जो उनका विजन है, वो कैसे उत्तराखंड को आगे ले जाने वाले, ये कहीं ना कहीं साझा कर सकता है यहाँ के लोगों के साथ, और जो दिक्कतें हैं कहीं ना कहीं लोगों जी अमित चौधरी, जिस तरीके से मुख्यमंत्री लगातार प्रयासरत है, इसी के दौर में आज अल्मोड़ा में भी वहां पर पहुंचेंगे और जनसंवाद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। राजौरी जिले में नौशहरा के कलाल सेंटर में सेना के सीमा पार पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ का जो प्रयास किया गया था उसे विफल किया गया। इस दौरान आतंकी को ढेर किया गया और सेना की ओर से सीमा के समीप तलाशी अभियान भी लगातार जारी है। कलाल सेंटर में सीमा पार पाकिस्तान की ओर से आतंकियों ने एक समूह भारतीय सीमा में घुसपैठ करने की फिराक में था और LOC पर तैनात भारतीय सेना के जवानों पर जब सीमा पर हलचल देखी गई तो वो सतर्क हो गए और आतंकवादियों ने जैसे ही भारतीय सेना पर प्रवेश किया और भारतीय सीमा पर प्रवेश किया तो सेना के जवान ने आतंकियों को आत्मसमर्पण करने की चेतावनी दी। घुसपैठ की फिराक में आतंकी पाकिस्तान सीमा की ओर भागने लगे। इस दौरान अचानक एक बम धमाका हुआ और एक आतंकी वहां पर ढेर हो गया, जबकि अन्य आतंकी LOC पर सुरक्षित बचे रहने के लिए इधर उधर भागते हुए दिखाई दिए। सेना ने इस घटनाक्रम के उपरांत पूरे LOC के आसपास तलाशी अभियान जो है वो लगातार शुरू कर दिया। तो आपको बता दें राजौरी जिले के नौशहरा के कलाल सेंटर में सेना ने सीमा में पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ का द्वारा विफल उनका मिशन जो है वो विफल कर दिया। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रविंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी रविंद्र, जिस तरीके से पाकिस्तान की नापाक जो कोशिशें हैं वो लगातार की जा रही है और भारतीय सेना ने उसी बीच में एक आतंकी को ढेर कर दिया है, एक बार पूरी अपडेट। जी बिल्कुल, देखिए सीमा पार की अगर बात करें तो वहां पर लॉन्चिंग पैड जो है उनको सक्रिय कर दिया गया है। वहां 250 से 300 आतंकी अलग अलग लोकेशनों पर घुसपैठ करने के लिए तैयार बैठे हैं और जैसे ही मौका मिलता है वो घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं। और बीते कल की अगर बात करें तो कल भी राजौरी के कलाल इलाके में कहा जाए दाखिल होने के लिए कोशिश कर रहा था तो भारतीय सेना के जवानों ने देखा और उनको पहले ललकारा, फिर जब नहीं माने तो फायरिंग की गई जिसमें एक आतंकी जो है वो ढेर हो गया है और बाकी के आतंकी वापस भाग गए हैं और बड़ी मात्रा में कहा जाए तो हथियार और गोला बारूद मिला है। ये दर्शाता है कि ये आतंकी घाटी में घुसकर अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देने वाले थे और यही वजह है कि उनको LOC पर ही डेथ कर दिया गया है। जी
जी, जिस तरीके से लगातार जो पाकिस्तान की नापाक कोशिशें हैं वो लगातार जारी रहती है और भारतीय सेना हमेशा उनके नापाक जो इरादे रहते हैं उनमें नाकामयाब साबित करने में रहती है। उसी के बीच अब जो यहां पर राजौरी में देखने को मिला, एक आतंकी ढेर कर दिया गया सेना के द्वारा और अब लगातार तलाशी अभियान जारी है। तो अब ये जो तलाशी अभियान जारी है इसमें और भी खुलासे होने की और संभावनाएं हैं? देखिए मनीषा, तलाशी अभियान इस वजह से चलाया जाता है कि कहीं आतंकियों ने और या मतलब कहीं जंगल के इलाके में छुपे ना हो, और यही वजह है कि बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया जाता है। और जो मारा गया आतंकी है उसके पास से भी काफी हथियार जो है वो बरामद किए गए हैं, और अभी कहा जाए तो कल पूरा दिन तलाशी अभियान जो है वो चलता रहा, पूरे जंगल को खंगाला गया, पूरे इलाके की अच्छी तरह से रैकी की गई ताकि कोई और आतंकी जो है वो घुसपैठ करके सीमा पार करके या भारतीय क्षेत्र में दाखिल तो नहीं हुआ है। तो ये सब तलाशी अभियान इसी वजह से चलाया जाता है। लेकिन कहा जाए तो आजकल जिस प्रकार से अब बीते कुछ दिनों में बर्फबारी और ज्यादा तेज हो जाएगी तो कई इलाके जो हैं जो आतंकियों के रूट हैं वो लगातार उस बर्फबारी होने के चलते बंद हो जाएंगे, और यही वजह है कि बर्फबारी ज्यादा बर्फबारी होने से पहले पाकिस्तान में जो आतंकियों के आका बैठे हैं पाकिस्तानी सेना है वो लगातार यही कोशिश कर रही है कि बर्फबारी होने से पहले आतंकियों की घुसपैठ करवाई जा सके। और जिस प्रकार से घाटी के अंदर लगातार आतंकियों को मारा जा रहा है, आतंकियों को पकड़ा जा रहा है, वो कहीं ना कहीं आतंकवाद में कमी हो रही है उसको पूरा किया जा सके, और यही वजह है कि बड़े पैमाने पर घुसपैठ करने की कोशिशें जो है पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है। मनीषा जी, रविंद्र श्रीवास्तव, तमाम जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद। तो फिलहाल राजधानी लाइव में मेरे साथ इतना ही। तमाम ताजा खबरों के लिए देखते रहिए एनबी न्यूज। नमस्कार।